आओ मेरे फिल्मी भूतो, सब्सक्राइब करो रिव्यू विद अक्की को मूवीज और कंटेंट की डीप नॉलेज के लिए। रिव्यू चालू करने से पहले एक सवाल, मनी हाइस्ट से ही रिलेटेड, थ्रिल एक्शन सरप्राइजेस इंटेलिजेंट मूव्स एक्सीलेंट राइटिंग और नेल बाइटिंग मूवमेंट्स, ये मनी हाइस्ट के हर सीजन के अंदर भर भर के है, पर एक चीज ऐसी है जो पार्ट टू यानी कि रॉयल मिंट की चोरी खत्म होने तक ही थी, उसके बाद वो गायब हो गई। यकीनेबल स्टोरी, सरल भाषा में लॉजिक, तब टीम के एक बंदे को पुलिस कस्टडी से बचाने के लिए टीम का हर एक बंदा एक बैंक के अंदर जाकर के सोना पिघलाना शुरू कर देता है। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पार्ट टू के बाद के सीजंस मुझे अच्छे नहीं लगे या फिर मैं पार्ट फाइव की यहाँ पर इस रिव्यू के अंदर बुराई करने वाला हूँ, तो इसलिए गालियां बकने से पहले रुको जरा, सबर करो। फाइनली नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुआ है मोस्ट अवेटेड शो मनी हाइस्ट का पार्ट वन का वॉल्यूम वन, और जो पहली चीज मेरे दिमाग में इस पार्ट को देखने के बाद आई वो थी, ये जो अभी अभी देखा ये मनी हाइस्ट ही था ना, ये कुछ और तो नहीं देख लिया था। बिना किसी स्पॉइलर डिटेल में करते हैं बात, जय भोलेनाथ। कहानी एग्जैक्टली वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछला सीजन खत्म हुआ था। रकेल बैंक के अंदर घुस चुकी है, प्रोफेसर को धर दबोच लिया गया है हमारी प्रेग्नेंट लेडी के द्वारा यानी कि अलिसिया सियारा। वो ये है कि बाहर टमायो अब ये टास्क लोकल पुलिस से लेकर के मिलिट्री को देने जा रहा है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी होस्टेजेस की जान बचे ना बचे, उनका सीधा टास्क है कि जो मिलने का ठोक देने का। और अंदर घुसे हुए हमारे चोरों के पास अब प्रोफेसर की मदद भी नहीं है क्योंकि उसको तो धर लिया है ना प्रेग्नेंट लेडी ने। अब होगी आर्मी और चोरों की आमने सामने की टक्कर विदाउट हेल्प ऑफ प्रोफेसर। पहले बात करते हैं शो की खासियत की, ये शो इतना ज्यादा ग्रिपिंग है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड तुमको मौका ही नहीं मिलेगा लहूशंका जाने का भी, तो देखने से पहले खाली होकर के बैठना बहुत आवश्यक है। खासियत नंबर दो, इस पार्ट का एक्शन इतना ज्यादा इंटेंस और खतरनाक है कि आंखें चौंधिया जाएंगी, खासकर आर्मी का एंट्रेंस वाला सीक्वेंस और क्लाइमैक्स जबरदस्त है। खासियत नंबर तीन, वैसे तो इस शो का हर एक एक्टर अपने कैरेक्टर में पूरी तरीके से परफेक्ट है और हर सीजन के अंदर उसने जबरदस्त एक्टिंग की है, बट इस वाले पार्ट के अंदर स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा प्रोफेसर को। जो एक्टिंग प्रोफेसर ने इस वाले पार्ट के अंदर की है, चाहे वो हेल्पलेस हो या फिर क्लाइमेक्स में दुखी, वो मतलब रोंगटे खड़े कर देगी। थोड़ी बात कमियों की भी कर लेते हैं। 5 एपिसोड के अंदर जो स्टोरी कंप्लीट की गई है वो थोड़ी सी खिंची हुई लगती है, जो कि आराम से 3 एपिसोड के अंदर भी खत्म हो सकती थी। एक्शन सीक्वेंस इतने धांसू होने के बाद भी एक टाइम के बाद थोड़ा सा ओवरडोज लगने लगते हैं। शुरू से इस शो की जो एक खासियत रही है वो है अनप्रिडिक्टेबल सरप्राइजेज और प्लानिंग और टेक्निक्स, बट इस वाले पार्ट के अंदर टेक्निक्स और प्लानिंग थोड़ी सी कम है और जो है वो मोस्ट ऑफ प्रेडिक्टेबल है। तो क्योंकि जो फ्लैशबैक वाले सीन है वो पूरा फ्लो तोड़ देते हैं और काफी ज्यादा खिंचे हुए भी लगते हैं। बर्लिन के बेटे वाली जो स्टोरी दिखाई गई है उसका अभी तक तो कोई सेंस नहीं बना, बट आई एम श्योर आगे जाकर के जरूर बनेगा। ओवरऑल ये पार्ट बहुत ज्यादा ग्रिपिंग, एक्शन पैक्ड, जबरदस्त क्लाइमेक्स, वेल एग्जीक्यूटेड और बेहतरीन एक्टिंग का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है विद सम स्ट्रेचिंग मोमेंट्स इन इट, मस्ट वॉच। और जिन लोगों ने इसके 4 पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं उनको तो कहने की जरूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी देख करके बैठे हुए होंगे। जाते जाते वो सब्सक्राइब वाला काम जरूर करके जाना क्योंकि हमारा वादा है मूवी दमदार हो ना हो रिव्यू जरूर होगा। तो मिलते हैं तुमसे किसी नई वीडियो में एक नए मूवी रिव्यू के साथ या फिर कुछ अच्छी रिकमेंडेशंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।